हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और हमारी जो राजनीति विज्ञान के सॉल्यूशन की जो सीरीज चल रही है, आज उसका ये सातवां पार्ट है और इसमें सत्य असत्य दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इनको देखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, वैश्वीकरण में पूरा विश्व बट जाता है, तो ये बात असत्य है, बटता नहीं है बल्कि एकीकरण हो जाता है पूरे विश्व का, एक हो जाता है पूरा विश्व। वैश्वीकरण आर्थिक समानता को जन्म देता है, ये बात भी असत्य है। ये जरूरी नहीं कि वो वैश्वीकरण हमेशा आर्थिक समानता को जन्म देता है, असमानता भी उत्पन्न होती है। वैश्वीकरण से पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है, हाँ ये बात सत्य है। ठीक है, तो ये आपके सत्य सत्य हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दो अंक के प्रश्न हैं इस अध्याय से। तो पहला प्रश्न है, वैश्वीकरण के उत्तरदायी दो कारण लिखने हैं कि वैश्वीकरण क्यों हुआ, उसके कारण बताने हैं। फिर अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण में कौन से देश दूसरे व तीसरे स्थान पर है। और अगला प्रश्न है, भारत और चीन को प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट क्यों दी गई। इन तीनों प्रश्नों का हम उत्तर देखने वाले हैं। तो ये देखिए, वैश्वीकरण के उत्तरदायी कारण, पहला है सूचना एवं प्रौद्योगिकी में हुए विकास, और अगला है जनसाधारण की सोच में विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव का बढ़ना, इसके कारण वैश्वीकरण हुआ है। वैश्वीकरण का मतलब होता है पूरे विश्व का एक हो जाना। तो ये दो कारण हैं। और अगला जो प्रश्न हमारा था कि वैश्वीकरण में दूसरे व तीसरे स्थान पर कौन से देश हैं, तो वैश्वीकरण में जापान दूसरे नंबर पर व फिनलैंड तीसरे नंबर पर है। ठीक है, अब देखिए अगला है कि भारत और चीन को प्रोटोकॉल में छूट क्यों मिली। इसका उत्तर देखिए कि भारत और चीन को क्योटो प्रोटोकॉल की प्रक्रियाओं से इसलिए छूट दी गई क्योंकि औद्योगिकीकरण के दौर में ग्रीन हाउस के उत्सर्जन मामले में इनका कुछ खास योगदान नहीं था। औद्योगिकीकरण के दौर को मौजूदा विश्व ताप वृद्धि और जलवायु परिवर्तन का जिम्मेदार माना जाता है। कहने की बात यह है कि पहले भारत और चीन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत नहीं हुई थी। आपको सभी को पता है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, यूरोप में, यानी कि जो इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, यहाँ से औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। और औद्योगिकरण मतलब कि क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का बनना। और कार्बन डाइऑक्साइड एक गर्म गैस है, और अगर वो ज़्यादा बनेगी तो विश्व का जो तापमान है उसमें वृद्धि होगी, और वो किसका कारण बनेगा, जलवायु परिवर्तन का कारण बनेगा। तो भारत और चीन तो औद्योगिक देश नहीं थे उस समय, इसलिए इनको बाद में छूट दी गई कि आपके यहाँ उद्योगों का विकास करें, और अगर इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल भी रही है तो आपको थोड़ी बहुत छूट है। तो ये इसका उत्तर है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब देखिए, चार अंक के प्रश्न है। पहला है, वैश्वीकरण के गुण लिखिए, पहले इसी को देखते हैं हम। तो ये देखिए, वैश्वीकरण के गुण, पहला है नवीन तकनीकों का आगमन। वैश्वीकरण द्वारा विदेशी पूंजी के निवेश में वृद्धि होती है तथा नवीन तकनीकों का आगमन होता है, जिससे श्रम की उत्पादकता एवं उत्पाद की किस्म में सुधार होता है। यानी कि वैश्वीकरण में होता क्या है कि विदेश की कंपनियां हमारे यहाँ अपने उद्योग लगा सकती है, और हमारे देश की कंपनी विदेश में उद्योग लगा सकती है। तो उनकी जो तकनीक है वो हमारे पास आती है, और हमारी तकनीक उनके पास जाती है। फिर अगला है जीवन स्तर में वृद्धि। वैश्वीकरण से जीवन स्तर में वृद्धि होती है क्योंकि उपभोक्ता को पर्याप्त मात्रा में उत्तम किस्म की वस्तुएं न्यूनतम मूल्य पर मिल जाती है। फिर अगला है विदेशी विनियोजन। वैश्वीकरण के विकसित राष्ट्र अपनी अतिरिक्त पूंजी अर्ध विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों में विनियोग करते हैं। विदेशी पूंजी के आगमन से इन देशों का विनियोग बड़ी मात्रा में हुआ है। अब देखो, विदेश की कंपनी आएगी, यहाँ उद्योग लगाएगी, तो यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, तो फायदे भी हैं। विदेशों में रोजगार के अवसर, वैश्वीकरण से एक देश के लोग दूसरे देश में रोजगार प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। अगला है विदेशी व्यापार में वृद्धि। आयात निर्यात पर लगे अनावश्यक प्रतिबंध समाप्त हो जाते हैं तथा संरक्षण नीति समाप्त हो जाने से विदेशी व्यापार में पर्याप्त वृद्धि होती है। तो वैश्वीकरण जब आया तो जो फालतू के जो प्रतिबंध थे, जो उद्योग पर लगाए जाते थे, वो हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से उत्तर पूरा होता है। वैश्वीकरण के सारे गुण हैं, विदेशी व्यापार में वृद्धि, विदेशों में रोजगार के अवसर, विदेशी विनियोजन, है ना, जीवन में स्तर में वृद्धि और नवीन तकनीकों का आगमन। आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। तो यह देखिए कि भाई उद्योगों का क्या योगदान है वैश्वीकरण में, देखते हैं हम। वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का प्रमुख योगदान इस प्रकार रहा है, टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप,
के नवीनतम आविष्कारों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच संचार की क्रांति ला दी है। इस प्रौद्योगिकी का प्रभाव हमारे सोचने के तरीके और सामूहिक जीवन की गतिविधियों पर उसी तरह पड़ रहा है जिस तरह मुद्रण की तकनीक का प्रभाव राष्ट्रवाद की भावनाओं पर पड़ा था। यानी कि जो नए नए संचार के जो साधन आ गए हैं उससे वैश्वीकरण को बल मिला है और उससे सभी देश एक दूसरे के पास में आए हैं। विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की विश्व के विभिन्न भागों में आवाजाही की आसानी प्रौद्योगिकी में तरक्की के कारण संभव हुई है। उदाहरण के लिए आज इंटरनेट की सुविधा के चलते ई कॉमर्स कंपनियां, ई बैंकिंग, ई लर्निंग जैसी तकनीकें अस्तित्व में आई हैं जिनके द्वारा विश्व के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में व्यापार किया जा सकता है, बाजार खोजे जा सकते हैं तथा ज्ञान के नए स्रोत खोजे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब अगला उत्तर देखते हैं हम। अब अगला प्रश्न है कि क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि वैश्वीकरण से सांस्कृतिक विभिन्नता बढ़ रही है। सांस्कृतिक विभिन्नता पर भी हम बात करते हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि केवल वैश्वीकरण से विश्व की कंपनियाँ हमारे देश में आकर के उद्योग लगा रही है और हमारे देश की कंपनियाँ विदेश में जाकर उद्योग लगा रही है। इसके अलावा जैसे आपको मैं फिल्मों के माध्यम से बताता हूँ कि विदेशी फिल्में भारत में रिलीज होती है और हमारी फिल्में विदेश में रिलीज होती है। तो जिस तरह से फिल्मों में दृश्य दिखाए जाते हैं, विदेशी जो पहनावा दिखाया जाता है वो भारत में भी आजकल आने लगा है। तो कहीं ना कहीं संस्कृति भी मिल रही है एक देश की दूसरे देश से। तो इसी पर ये उत्तर है। तो देखिए इस उत्तर को हम समझते हैं। देखिए क्या लिखा है कि वैश्वीकरण में सांस्कृतिक विभिन्नता और सांस्कृतिक समरूपता दोनों ही प्रवृत्तियाँ विद्यमान है। जैसे कि सांस्कृतिक समरूपता में वृद्धि, वैश्वीकरण के कारण पश्चिमी यूरोप के देश तथा अमेरिका अपनी तकनीकी और आर्थिक शक्ति के बल पर संपूर्ण विश्व पर अपनी संस्कृति लादने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पश्चिमी संस्कृति के तत्व अब विश्वव्यापी होते जा रहे हैं। जैसे कि ये कोट का चलन है, टाई का चलन है, ये विदेशों में होता था लेकिन अब भारत में भी आम बात हो गई है। तो ये विदेशी संस्कृति है। इससे कई परंपरागत संस्कृतियों को खतरा उत्पन्न हो गया है। इस प्रकार यहाँ सांस्कृतिक समरूपता से अभिप्राय केवल पश्चिमी संस्कृति के बढ़ते प्रभाव से ना कि किसी नई विश्व संस्कृति के उदय से। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि जो शक्तिशाली देश हैं वो अपनी संस्कृति बाकी विश्व पर लाद रहे हैं। ठीक है, और हमें पता भी नहीं चल रहा है कि कब उन्होंने लाद दी है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें सांस्कृतिक विभिन्नता में वृद्धि। देखो अब ये भी एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। जैसे कि नीली जींस पर हम देसी कुर्ते पहनते हैं तो जींस विदेशी है, कुर्ता देसी है। तो ये जो नई प्रकार की संस्कृति उत्पन्न हुई है ये भी वैश्वीकरण के कारण हुई है। वैश्वीकरण के द्वारा सांस्कृतिक विभिन्नताएँ भी बढ़ रही है तथा नई मिश्रित संस्कृतियों का उदय हो रहा है। उदाहरण के लिए अमेरिका की नीली जींस हाथ करके के देसी कुर्ते के साथ पहनी जा रही है। यह कुर्ता विदेशों में भी निर्यात किया जा रहा है। इस प्रकार वैश्वीकरण के कारण हर संस्कृति कहीं ज़्यादा अलग व विशिष्ट होती जा रही है। अगला प्रश्न है, भारत में वैश्वीकरण अथवा भूमंडलीकरण का मूल्यांकन कीजिए। देखते हैं इस उत्तर को हम। तो ये देखिए इस उत्तर को, वैश्वीकरण अथवा भूमंडलीकरण, जब कोई देश विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के साथ वस्तु, सेवा पूंजी एवं बौद्धिक संपदा का किसी प्रतिबंध के बिना परस्पर आदान प्रदान करता है तो इसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब एक देश दूसरे देश के साथ अपनी वस्तुओं को आदान प्रदान करता है, चाहे वस्तु हो, चाहे दूसरे सामान हो, कुछ भी सेवा हो किसी प्रकार की, तो उसे हम वैश्वीकरण कहते हैं और बगैर किसी प्रतिबंध के अगर ये होता है। ठीक है, वैश्वीकरण तभी संभव है जब परस्पर ऐसे आदान प्रदान के दौरान किसी भी देश द्वारा कोई रुकावट पैदा ना की जाए। तो इसमें देखिए पॉइंट क्या क्या है। भूमंडलीकरण ने संस्कृति को काफ़ी गहरे रूप से प्रभावित किया है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके प्रभाव से भारत में वेशभूषा, खान पान, संगीत, भाषा, विचार आदि क्षेत्रों में कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं। देखो कपड़ों का तो मैंने आपको बता दिया कि वो सब ठंडे देश हैं इसलिए उन्हें कोट और टाई की जरूरत लगती है ताकि ठंड अंदर प्रवेश ना करे शरीर के अंदर। लेकिन फिर भी भारत में भी अब ये चलन आया है। खान पान की बात करें तो हम अनेक ऐसे रेस्टोरेंट देखते हैं जहाँ पर विदेशी भोजन मिलता है और हम उस देश के नाम से उस भोजन को मंगाते हैं। ठीक है कि भाई चाइनीज़ फूड ला दीजिए या जो भी आपको पता हो।
संगीत है तो वेस्टर्न संगीत अब भारत में भी सुना जाता है। भाषा तो आप जानते हैं, हम सभी इंग्लिश बोल रहे हैं, जबकि ये यूके और यूरोप की लैंग्वेज रही है। विचार भी आप जानते हैं, अगर हम विदेशों की जो पुस्तक पढ़ेंगे तो विचार हमारे अंदर भी वो आएंगे, ठीक है। महिला पुरुष के पहनावे को भी आप देख लो। फिर आगे, भूमंडलीकरण के कारण भाषा कई प्रकार से प्रभावित हुई है। एक ओर भूमंडलीकरण ने भाषा को तकनीकी रूप से समृद्ध किया है, वहीं दूसरी ओर मातृभाषा पर विदेशी भाषाओं का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। आप जब किसी से बात करते हो तो उसमें कुछ शब्द हिंदी के होते हैं, कुछ शब्द अपनी आपकी जो मदर टंग है, जैसे अपना मध्य प्रदेश है तो मालवी भाषा उसमें कुछ आ जाती है, और कुछ अंग्रेजी के शब्द आ जाते हैं। तो ये किसके कारण हुआ है? भूमंडलीकरण के कारण हुआ है, वैश्वीकरण के कारण हुआ है। साहित्य के क्षेत्र में भूमंडलीकरण ने पूंजीवादी मानसिकता की अहमियत बढ़ा दी है, और पारंपरिक नैतिकतावादी साहित्य जो तुलनात्मक दृष्टि से कम उत्पादक होने के कारण उपेक्षित होने लगे। इसके अतिरिक्त भारतीय बाजारों में विभिन्न विदेशी भाषाओं के साहित्य भी देखने को मिल रहे हैं। ये बात भी है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलने लगे हैं, अब इंग्लिश के साथ लोग जर्मन सीख रहे हैं, रशियन भाषा सीख रहे हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट है, संगीत के क्षेत्र में भूमंडलीकरण ने भारतीय शास्त्रीय संगीत एवं लोक संगीत की लोकप्रियता को कुछ हद तक कम किया है, और पॉप आदि के नाम से कोलाहल और शराबा का नया बाजार बढ़ा है। जैसे हमारे यहाँ जो संगीत है वो तो है ही सही, लेकिन विदेशों में जो संगीत जो प्रचलित है वो संगीत अब भारत में भी लोग सुनने लगे हैं और पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये सारे किसके प्रभाव है? वैश्वीकरण का भारत पर प्रभाव पड़ा है, ठीक है। और उसका मूल्यांकन हमने कर दिया कि हर स्तर पे वैश्वीकरण का प्रभाव भारत पर देखने को मिलता है, चाहे खान पान हो, वेशभूषा हो, ठीक है, भाषा हो, ठीक है, विचार हो, साहित्य हो, संगीत हो, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण प्रतिरोध के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। तो देखिए, वैश्वीकरण का प्रतिरोध क्यों हो रहा है, क्यों मतलब इसको लोग गलत मानते हैं? तो देखिए, वैश्विक पूंजीवाद की विशेष अवस्था वैश्वीकरण से धनिक और धनवान, गरीब और अधिक निर्धन होता चला जा रहा है, अतः वैश्वीकरण का प्रतिरोध किया जा रहा है। मतलब अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, इसलिए इसका विरोध किया जाता है। वैश्वीकरण में राज्य की शक्ति कम होती है तथा उसके कमजोर होने से गरीबों के हितों की रक्षा करने की उसकी क्षमता में कमी आती है। यानी कि कुल मिलाकर कोई बहुत बड़ी विदेशी कंपनी है, उसने कहीं पर उद्योग लगाया है तो अनेक प्रकार से अपनी मनमानी करती है और राज्य पर एक दबाव क्रिएट करती है, ठीक है। इसी प्रकार राजनीतिक दृष्टिकोण से भी वैश्वीकरण राज्य को कमजोर कर रहा है, अतः उसका प्रतिरोध होने लगा। परंपरागत संस्कृति को नुकसान पहुंचा तथा लोग अपनी शताब्दियों पुराने जीवन मूल्य और तौर तरीकों से दूर जाने लगे, अतः वैश्वीकरण के प्रतिरोध के स्वर मुखर होने लगे। यही मैंने आपको बताया कि हमारी जो संस्कृति है वो उसको छोड़ करके हमने विदेशी संस्कृति को जो अपनाया है वो किस वजह से अपनाया है? वैश्वीकरण की वजह से। अब जो लोग बुद्धिजीवी लोग हैं वो इसका मूल्यांकन कर रहे हैं कि किस तरह से वैश्वीकरण ने हमारी संस्कृति को बर्बाद करने की कोशिश की है। आगे, विकासशील देशों में वैश्वीकरण के चलते बहुराष्ट्रीय कंपनियों की एकाधिकारवादी प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है। वही बात है कि जैसे हमारा देश विकासशील देश है, यहाँ पर जो यूरोप के जो देश है, अमेरिका की कोई बड़ी कंपनी है, वो अगर यहाँ आती है तो वो अपने हिसाब से अपने अधिकार जताती है, ठीक है, और कई बार लोगों का शोषण भी होता है। वैश्वीकरण स्वाभाविक रूप से स्वीकृत प्रक्रिया न होकर प्रभुता संपन्न राज्यों द्वारा कमजोर राष्ट्रों पर लादी जा रही है। ये बात भी सही है कि विदेश की जो कंपनियाँ हैं वो उन देशों में अपने उद्योग लगाती है जो आर्थिक रूप से कमजोर है, और फिर वहाँ पर अपनी मनमानी करती है। वैश्वीकरण प्रक्रिया का लाभ अधिकांश लोगों तक नहीं पहुंचा है, इससे आर्थिक असमानता को प्रोत्साहन मिला और जो तृतीय विश्व के देशों में निर्धनता ग्राफ बढ़ा है। मतलब कि बात यह है कि ऐसा नहीं है कि वैश्वीकरण सभी दूर पहुंच गया, बहुत जगह नहीं पहुंचा है, बहुत जगह पहुंच गया, इसलिए जो निर्धन देश है उनका ग्राफ भी विश्व में बढ़ गया है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।